तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 2 है, USB का प्रयोग किसके लिए होता है। USB का प्रयोग किसके लिए होता है, तो होता है ऑप्शन बी, प्रोसेसर के लिए। नेक्स्ट है, किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है ऑप्शन बी, लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, निम्न से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। मूल अधिकारों का संरक्षक है ऑप्शन डी, न्यायपालिका। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करना होता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्न से क्या होगा। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्न से क्या होगा, तो ये होगा वृद्धि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे अधिक कर का भुगतान करता है, तो ये करता है ऑप्शन बी, औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, तो होता है तालाब में ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी, डलहौजी का। नेक्स्ट है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है, ग्रीनहाउस गैस से नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस जीव से की जा सकती है। ग्रीनहाउस गैसों नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस जीव से की जा सकती है, तो की जा सकती है जीवाणु से। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक कहाँ है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक है नई दिल्ली में। कुछ समय 16 है, निम्न से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सी। कुछ समय 17 है, सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन यह आरंभ हुआ था मेघा पाटकर के
नेतृत्व में। क्वेश्चन 19 है, राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 है, साधारण लवण का रासायनिक नाम है? साधारण लवण का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21 है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के जन्मदिवस पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है? विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है रीता फारिया। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। क्वेश्चन 24 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध है ऑप्शन सी, फुटबॉल से। क्वेश्चन 25 है, जिसका जवाब आपको देना है, इनमें सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा है?